वालेकुम, कैसे हो YouTube फैमिली। अभी हमारा वीडियो है भूटान का बॉर्डर, इसके लिए हम बॉर्डर का वीडियो दिखा रहे हैं। पूरा देखना, स्क्रिप मत करना, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ये वो ऑफिस है जहाँ पे आपका शरणार्थी कार्ड रख के आपको एक कार्ड देगा, देख लीजिए। यहाँ ज़्यादा वीडियो बनाने का परमिशन नहीं है, इसके लिए हम गाड़ी में बैठ के बना रहे हैं। ये वो कार्ड है जो भूटान में आपको कहीं भी लगेगा, जहाँ पुलिस वाला आपको पकड़ेगा तो ये कार्ड बताने का। ये भूटान का एक, अभी हम भूटान में एंट्री कर चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हम गाड़ी में चल रहे हैं। और अभी हमने आपको जो कार्ड दिखाया है, ये यहाँ का जो वीज़ा है, ये वीज़ा कार्ड है। यानी कहीं भी कंट्री में आप जाने लगेंगे तो वीज़ा लगता है, सब भूटान के अंदर है। ये कार्ड से आप किधर भी जा सकते हो, बाकी बड़ी सिटी में नहीं जा सकते, छोटी मोटी गाँव में जा सकते हैं, पहाड़ों पर जा सकते हैं, ये उस जगह का है। और मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है आपने देखा हुआ है, यहाँ का सीरीज नंबर है, दे सकते हैं लोग, ज्यादा एंट्री नहीं देते हैं। ये सीरीज नंबर है यहाँ का। और अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे पेट्रोल भराने जाएंगे, जो आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए भूटान का पहाड़ है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़, एकदम हरियाली है। अभी हम पेट्रोल पंप पे आ गए, और यहाँ का जो पेट्रोल का भाव है इंडिया से बहुत सस्ता है। 80 रुपये में यहाँ पेट्रोल है, जो हम 1500 रुपये का। इधर का नोट दूसरा है ना। देखो यहाँ की बिल्डिंगें कितनी खूबसूरत बनी हुई। यहाँ पे कचरा फेंकना बहुत स्ट्रेट है, यहाँ पे गंदगी करना एकदम अलाउड नहीं है। और यहाँ देखो कितना साफ सफाई है, और रास्ते भी देखो कितनी खूबसूरत जगह। और यहाँ पे ज़्यादा टैक्स भी नहीं है, इस देश में ज़्यादा टैक्स नहीं है। अभी हमने जाने के टाइम में जब एंट्री अंदर करे ना, तो बॉर्डर का सीन नहीं दिखाई थी, तो अभी हम दूर से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सख्ती है बॉर्डर के ऊपर मोबाइल वीडियो बनाने की। फिर भी हम दूर से बना रहे हैं। देखो सामने ये बॉर्डर है, जो हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, हम पेट्रोल भराने आए थे, पेट्रोल भरा के बाहर जा रहे हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये गेट है, इधर ऑफिस है।